हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लॉकडाउन के दूसरे चरण में डीएमआरसी द्वारा मेट्रो सेवा को दोबारा बहाल कर दिया गया है। हालांकि आज पहले दिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रही, लेकिन उसके बावजूद कोरोना को लेकर तमाम शिकायतों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। मेट्रो में प्रवेश करने से पूर्व यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है तथा सोशल डिस्टेंसिंग से ही यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश दिया जाएगा। मेट्रो सेवा पूर्ण बहाल होने के 7 लोगों को काफ़ी खुशी है। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि फरीदाबाद में मेट्रो से दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। मेट्रो सेवा दोबारा शुरू होने से व्यापारियों में खुशी की लहर है। मेट्रो में सफ़र करने आए व्यापारी ने बताया कि व्यापारियों को मेट्रो बंद होने के चलते काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि दिल्ली से सामान लाकर फरीदाबाद भेजते हैं। ऐसे में अब जबकि मेट्रो सेवा शुरू हो गई है तो उन्हें राहत की सांस ली। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को लेकर सभी गाइडलाइन का पालन करें। आपको बता दें कि वहीं दिल्ली से फरीदाबाद आवागमन करने वाले युवक ने बताया कि मेट्रो बंद होने के कारण उन्हें अपनी निजी वाहन से दिल्ली आवागमन करना पड़ा था, पर पेट्रोल डीजल के रेट आसमान पर हैं। ऐसे में अब मेट्रो शुरू होने से न केवल उनकी जेब भारी नहीं पड़ेगी बल्कि वे सुरक्षित रूप से सफर कर सकेंगे। मैडम, ये बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए। बेसिकली क्या है कि इतना लंबा ट्रैवल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बाइक कर रहा था मैं भी। मेट्रो से काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब रिस्क कम होता है। और बेसिकली अभी देखा मेट्रो मैंने, काफ़ी अच्छा अपना वो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है और अपने काफ़ी रिलैक्स है पहले से। थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिकली एक तो कम्फर्ट जोन में रहता है उसमें, ठीक है ना, कि ट्रैवलिंग से अपना बाइक से करते तो रिस्क रहता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है उससे आने में भी, उससे टाइम बचता है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा राहत की सांस ली है इस बार हमने जो है दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो मेट्रो बेसिकली कर रहे हैं सारे लोग, बेसिकली अभी सीट जो है उसमें तो वन बाई वन बैठ रहे हैं, लेकिन खड़े भी हो रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही है कि मतलब जो लोग एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाएँ, कुछ लोग निकलते हैं कुछ लोग नहीं निकलते, तो अभी थोड़ा सा इसमें है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें करने में। जैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा बंद हुई तो बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम हम लोगों को ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जो शॉर्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा बंद नहीं होनी चाहिए, गाइडलाइन सबको फॉलो करनी चाहिए, जैसे वो गवर्नमेंट बता रही है वैसे करना ही चाहिए सब। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, बेसिकली जो मास्क पहनना ये सिर्फ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के लिए ना करें, ये अपने लिए करें, क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर मुझे मान लो अगर हो जाता है तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उन सबको रिस्क है। तो इसलिए यह ना करें कि गवर्नमेंट कह रही है, इसलिए करें क्योंकि हमको ज़रूरत है, हमको बचना है, हमको सबकी सेफ्टी रखनी है, अपनी सेफ्टी रखनी है, इसलिए करें। क्योंकि हमारे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, उन पर डिपेंडेड है, हम उन पर डिपेंडेड है, तो ये इसलिए करें। सब बहुत अच्छा है, हमारे सारे कारोबार इसी से ठप पड़े हुए थे और अब हम दिल्ली से कुछ ना कुछ ला सकेंगे, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, स्वागत करते हैं इसका। तो बंद हुई थी और बाजार दिल्ली के बंद थे, फरीदाबाद में बंद था, सारी हम व्यापारी लोग बहुत परेशान थे। सरकार ने ऐसा कराया, बहुत अच्छा कराया और हम व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। सर, यही अपील करेंगे कि भाई सरकार की गाइडलाइन पे चलें, प्रिकॉशन रखें, मास्क लगा के रखें, दूरी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचें।